हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील कौशल है। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आज की जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिमाचल प्रदेश में नई पोस्ट्स की अभी नई अपडेट्स आई हैं और इनकी डेट्स भी चेंज हो गई हैं, तो वो सारी हम डिस्कशन करेंगे, सारा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अब आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए। अप्लाई ऑनलाइन पे आप सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी सीरियल नंबर के हिसाब से आपकी पोस्ट है, जैसे आपकी सबसे पहले आती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसका पोस्ट कोड है 817, 817। पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर बेसिस, और ये स्केल भी इसका दे रखा है आपको। इसकी जो पब्लिशिंग डेट थी वो थी 26 सितंबर, और लास्ट डेट अप्लाई करने के 31 अक्टूबर। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें फायर सर्विसेज में स्टेशन फायर ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट है, उसका जो कोड रहेगा आपके लिए 818 रहेगा, उसका स्केल आपके सामने है। पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और इसका जो स्केल है 10,334 प्लस 3,800 GP। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दो हैं, जबकि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1,160 है। स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 अक्टूबर 2020 है। इसके बाद तीसरा जो डिपार्टमेंट आता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पोस्ट ओपन है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वहाँ पे 6, और इसका जो पोस्ट कोड है वो 819 है, और लास्ट डेट इसकी भी 31 ही अप्लाई करने की है। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स फेडरेशन, यहाँ पे जो पोस्ट ओपन हुई है वो है टेक्निकल टेक्नीशियंस की, टेक्नीशियन बॉयलर। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है HPSEBL शिमला, यहाँ पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट स्टोर कीपर की, और टोटल वैकेंसीज हैं 40। तो लास्ट डेट इन सबकी ही 31 है, तो 31 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपके पास जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसका पोस्ट कोड है 823 और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 13। फिर आती है अगला डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है होटल में, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4। अगली डिपार्टमेंट में आते हैं HPSEBL शिमला, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 रहेंगी, और पोस्ट जो इसका कोड है वो रहेगा 825। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर सिविल की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ 39 है, तो काफ़ी वैकेंसीज हैं, यहाँ आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज हैं, आप इस तरह से वेबसाइट में जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नंबर देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज, और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए रहेगी आपकी 360 रुपये फीस, रिजर्व कैटेगरी के लिए और दूसरी स्टेट्स के लिए रहेगी 360, मतलब दूसरी स्टेट के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए 360, जो 120 रहेगी SC ST OBC BPL के लिए, एक्स सर्विसमैन मैन नॉर्मल और ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर के लिए रहेगी नील, और बाकी फीमेल के लिए नील रहेगी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकती हो। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे ऊपर देखिए आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई नाउ, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
यूजर नेम आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और अपने लॉगिन करना है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आज की जानकारी थी हिमाचल प्रदेश में जो भी पोस्टें निकली हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तक एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 26 तक थी, 26 अक्टूबर तक थी, अब 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई होगी, आपको हेल्प करेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।